pride and honor and pleasure to have two legends of Indian cricket with us, and I would say pride of Gujarat, Shri Dhruvbhai Rawal. He's a wicketkeeper and a brilliant batsman. And Shri Chintanbhai Gaja, he is a ferocious bowler. So I would really like to thank you for sparing some time and coming to us and talking about cricket and some injuries. So first and foremost, I wish to ask you that what inspired you or who inspired you to take up cricket? मेरे पापा क्रिकेट खेला करते थे. Okay. तो उनको एक पहले से ऐसा था कि मेरे लड़के को क्रिकेट खेला. Okay. वो उतना क्रिकेट नहीं खेल पाए. Okay. रणजी ट्रॉफी वो सब. लेकिन वो लोग लोकल क्रिकेट खेलते थे तो उनको ऐसा लगा कि मेरे बेटे को मैं क्रिकेट खेला. Wow. तो वो पहले से वो तो क्लियर थे कि इसको क्रिकेट खेला. बहुत अच्छे. एंड विकेट कीपिंग क्यों? विकेट कीपिंग मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मीन्स के फील्डिंग करते तो हर एक बॉल तो हमारे पास आता नहीं है, नॉर्मल है. Okay. तो विकेट कीपिंग में हर एक बॉल पे फोकस करना पड़ता है कि मेरे पास आएगा. वो हिसाब से मैं पूरा टाइम गेम में रहूं, इसलिए मैंने विकेट कीपिंग. चिंतन भाई, सेम इज द स्टोरी विद मी. माई फादर यूज टू प्ले फॉर LIC. ओके. ही डिडंट प्ले रणजी ट्रॉफी और ही यूज टू प्ले क्लब क्रिकेट ओनली. बट उनको देख देख के एक मजा आती थी कि हाँ ये बैटिंग कर रहे हैं, जाके बॉलिंग कर रहे हैं. तो वो एक चीज थी कि मुझे भी जाके खेलना है, ग्राउंड पे पूरा दिन रहना है, बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, फील्डिंग करनी है. तो वो एक चीज से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे भी क्रिकेट खेलना है. वाओ. आपका रूटीन डे जो हिसाब से अभी का क्रिकेट और स्पोर्ट्स हो गए, वो हिसाब से हमको डाइट का पूरा ध्यान रखना ही पड़ता है. Correct, correct. तो ही रिजल्ट मिलेगा. Correct. अगर आपको और प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो हिसाब से पूरा डाइट ट्रेनिंग और सब का. ओके. चीप डेज होते हैं कि एक दिन आप रखते हो उसमें मैं समोसे खाऊंगा, गुलाब जामुन खाऊंगा. मोस्टली ड्यूरिंग सीजन चीप डेज थे. ओके. ओके. लेकिन ऑफ सीजन में नहीं करता. ओके. ओके. चिंतन भाई, आई एम अ बिग फूडी. ओके. और प्लस एडिशन टू दैट आई एम अ सिंधी. सो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहाँ पे हमारे घर पे कोई फ्राइड चीज नहीं होगी. ओह माय गॉड. सो एक डाइट पे कॉन्शियस एफर्ट के साथ मुझे रहना पड़ता है. और न्यूट्रिशनिस्ट जो है हमारे, वो मुझे बोलते हैं मैं तुझे चीट डेट दूंगी, एक दिन पूरा दूंगी, तो देखो जो खाना है तू खा सकता है. ओके. बट मंडे टू सैटरडे अगर तूने कुछ भी खाया तो समझ लेना दूसरे संडे देखो कुछ नहीं मिलेगा. ओके. सो फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे टफ ओवर्स डालनी होती है, पूरे 32 डिग्री 33 डिग्री टेम्परेचर में बॉलिंग करनी होती है. एंड इट्स नॉट इजी टू रन 20 मीटर्स एंड बोल दैट 20 ओवर्स. सो या ऑफ सीजन में मेरा डाइट बहुत स्ट्रिक्ट रहता है. एंड नो ऑयली फूड, नो जंक फूड, नो मुझे चाय भी बहुत पसंद है, तो चाय भी नहीं विदाउट शुगर एनी टाइम, ऐसा सब रहता है. सो वो एक चीज है. बट ड्यूरिंग सीजन मुझे थोड़े दिन ज्यादा मिलता है कि मैं अपनी चीज खा सकता हूँ, क्योंकि वो टाइम मेरा इतना कैलोरीज भी बर्न हो रही है. सो वो एक चीज है. पर ऑफ सीजन में बहुत कम चांस है कि मैं कुछ भी पूरी चीज खाऊंगा. सो आप दोनों ने मेंशन किया कि ऑफ सीजन यू ट्राई टू बी मोर डाइट Then on season, because on season आप थोड़ा exertion करते हो, so you are as fit. But off season when you are not playing and when you are not burning that much calories, you like to be more strict when it comes to your food. Yes. Wow, amazing, amazing. What are some challenges? कुछ आपने challenges या failures आए कैसे आपने उनको पार किया? Failures हर एक की life में आते हैं. खाली sports person के life में नहीं, normal हर एक आदमी का लाइफ में फेलियर्स आते हैं, लेकिन उसको कैसे हम लोग टैकल करते हैं. Okay. वो एक काफी, तो मेरा वही एक सिंपल फंडा है कि भाई
जितना हम लोग प्रेजेंट में रहेंगे वो उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, बिना फ्यूचर का या कुछ पीछे का भी सोचते रहेंगे तो हम लोग उसमें ही परेशान रहेंगे, तो बेटर है कि हम लोग जितना प्रेजेंट में रहे, एक दिन का सोच के चलने का तो काफी इजी हो जाता है. फेलियर इज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं एक रणजी ट्रॉफी सीजन खेला तो मुझे चार मैचेस में सिर्फ एक ही विकेट मिली थी. ओके, तो वो टाइम आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि क्या मैंने ठीक से प्रॉपर प्रैक्टिस की है, क्या मैंने ऑफ सीजन में बराबर ट्रेनिंग किया है, क्या किया है, वो सब आपके माइंड में डाउट आते हैं. बट जैसे ध्रुवे ने बोला कि प्रेजेंट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो साल मैंने यही सीखा था कि आप जितना प्रेजेंट में रहोगे वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. फेलियर से आप सीखो कि क्या गलती हो रही है और नेक्स्ट ईयर उसे रेक्टिफाई करने का ट्राई करो, तो आप डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा. Your best day, which was your best day till date of your cricket career? Best day तो हम बोल सकते हैं वही जो हमने अभी वीडियो दिखा वही बेस्ट है, क्योंकि मुझे जब भी कोई पूछता है कि बेस्ट इनिंग कौन से, तो सब को ऐसा होगा क्योंकि मैंने 100 जब बनाया, 116 नॉट आउट. प्लीज आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. लेकिन मैं सबको ये 99 वाली इनिंग ही बता, हम लोग मुंबई अगेंस्ट मुंबई मैंने 99 बनाया था. okay. लोअर ऑर्डर के साथ बैटिंग कर रहा था तो Correct. और जब 99 पे था तो पूरे फील्डर बाउंड्रीज पे थे. Correct. तो एक रन मैंने मिस किया. okay. मिस के लिया ही नहीं क्योंकि लास्ट बैट्समैन को स्ट्राइक पे नहीं आना पा. okay. और लास्ट बॉल पे मैं आउट हो गया 99 पे. wow. और सब उसके बाद बोल रहा है कि भाई एक रन ले लेना चाहिए था तुझे. okay. लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट किया कि आपने टीम का पहले रखा रैदर देन योर ओन पर्सनल गेम, आपने टीम का पहले सोचा. सो एडिशन टू दैट, दैट वाज द फर्स्ट ईयर कि गुजरात ने मुंबई को मुंबई में बीट किया. वाओ, बिकॉज मुंबई यू नो इज द स्टॉलवर्ट ऑफ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, और गुजरात फर्स्ट टीम ऐसी थी, मतलब गुजरात हमारी जो टीम गुजरात टीम थी वो पहली बार ऐसा था कि मुंबई को जाके मुंबई ने हरा, तो वो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. क्योंकि उसके पहले हम गुजराती कोई गुजराती टीम ने पहले मुंबई को नहीं हराया था उधर मुंबई में. सो सो व्हाट अबाउट यू, व्हाट वाज योर बेस्ट? माय बिगेस्ट अचीवमेंट आई वुड से जब हम लोग मैं 2016-17 में फर्स्ट टाइम गुजरात रणजी ट्रॉफी टीम में आया था और रणजी ट्रॉफी फाइनल मुझे खेलने मिली थी और हम लोग चैंपियन हुए थे. इट वॉज अ फर्स्ट टाइम कि हम लोग ध्रुवे भी वो साल ही पूरा सीजन रहे थे टीम के साथ. तो वो अचीवमेंट के सामने कोई अचीवमेंट बड़ी नहीं है, तो वो एक अचीवमेंट थी. एंड सेकंड अचीवमेंट वॉज जब मैंने 8 विकेट्स लिए थे 40 रन देके अगेंस्ट राजस्थान एक इनिंग में, तो वो एक टू ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल डेज. चैंपियन जब हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि गुजरात के लिए काफी प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी खेले. ओके, काफी प्लेयर्स इंडिया भी खेले. करेक्ट, लेकिन हम वही बोल सकते कि हम लोग ने जो साल डेब्यू किया ओके वो साल टीम चैंपियन. जब गुजरात की टीम फर्स्ट टाइम जब चैंपियन हुई तब हम लोग टीम में. सो आपकी कोई इंजरीज, आपका एक लंबा स्पैन रहा क्रिकेट में, सो आपकी कोई इंजरीज हुई, आपको ब्रेक लेना पड़ा, मैं मैनेज किया? एक चीज बोलना चाहूंगा, इनकी फिंगर्स एक हो गए ना आप, तो कोई फिंगर्स आपको ऐसे सीधी देखने के लिए थोड़ी ऐसे आड़ी टेढ़ी मिलेगी इनकी फिंगर्स. okay. मैंने लास्ट सीजन पूरा ये यहाँ पे थोड़ा हेडलाइन था वो उसमें 20-20 और बंदे से खेल. सो फ्रैक्चर हुआ था. हाँ, एक्सरे करवाई नहीं करवाई तो पूरा सीजन मुझे मिस किया क्योंकि वो सिलेक्शन मैचेस थी. करेक्ट, सेम डे 2 दिन के बाद हमारा टीम डिक्लेयर होने वाला. करेक्ट, लेकिन मैंने बोल दिया मैं खेल रहा हूँ, मैंने दूसरे मैच सिलेक्शन मैच में भी कीपिंग किया, फिर पूरा 20-20 और वनडे टैपिंग करके मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि डेज मैच तो होने नहीं वाले. करेक्ट, तो वनडेज में 50 ओवर ही कीपिंग करना है और 30 ओवर मैच तो कर सकता हूँ.
मुझे याद है मैं अंडर 19 में था तब जैसे बात हुआ कि मुझे फिजियो ने बोला स्कैन देख के लाइसिस हुआ है, तो मैं बोल लाइसिस मतलब क्या मुझे ठीक से समझा, तो बोले कि ये L4 L5 के बीच में कुछ होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो बोले कि मैं बोले तो डॉग क्या करेंगे इसके बाद, तो बोले कि यू हैव टू टेक ब्रेक फॉर एटलीस्ट 6 months. क्रिकेट में से डॉग 6 months के बाद मैं कैसे टीम में वापस आऊंगा, टीम सिलेक्शन मेरी सब मैचेस कैसे होंगे, के पर अगर तुझे इतना टाइम नहीं लगा तो यू हैव टू गो फॉर सर्जरी. सर्जरी का नाम सुन के मुझे इतना डर लगा और नहीं आई विल टेक ब्रेक फॉर 6 months, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा. आई स्टार्टेड विद हाइड्रोथेरेपी, देन लिटिल बिट ऑफ मोबिलिटी वर्क, फिर धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पार्ट. एंड सच में मतलब मुझे याद है कि 6th month में मैं स्टेट की मैच खेला था. सो इंजरी से जितना दूर सो Where do you see आप खुद को 2-3 साल में कहाँ देखते होंगे? You like you know from you. What do you say? हर एक प्लेयर का एक एम होता है कि वो लोग इंडिया के लिए खेलें. Correct. तो अभी हम लोग भी खेलते हैं तो हमारा एक एम होता है कि हम भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें. Correct. Correct. So main aim is इंडिया रिप्रेजेंट. How about you? Yeah, same thing के next 2-3 years में यही गोल है कि कैसे एक स्टेप आगे बढ़े. इफ यू आर प्लेइंग रणजी ट्रॉफी हाउ वी प्ले फॉर इंडिया और आईपीएल, सो वो एक चीज हमेशा दिमाग में चलती रहती है कि हाउ कैन आई डू बेटर इन मतलब ये रणजी ट्रॉफी मैचेस में या T20 मैचेस में कि हम आगे आईपीएल या इंडिया के लिए खेल सके. एनी मैसेज फॉर यंग क्रिकेटर्स? आपका कोई मैसेज, पर्सनल मैसेज, बिकॉज यू हैव बीन इन क्रिकेट फॉर सो मेनी इयर्स, यू हैव अचीव्ड सो मच, सो एनी मैसेज फॉर आवर यंग क्रिकेटर्स? मेरा मैसेज वही है कि इसके रिजल्ट के लिए नहीं दौड़ना, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा काम करना है, जो हमारे हाथ में है ना वही उस पे ही फोकस ज्यादा करना है. हमारा काम है प्रैक्टिस करना और मैच में परफॉर्म करना, ना कि सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं हुआ वो सेकेंडरी पार्ट है, वो हमारे हाथ में नहीं है. तो हमारा काम यही है कि सिर्फ हमें मेहनत करनी है, रिजल्ट अपने आप आए. वेरी नाइसली सेड. मेरा यही है कि हर रोज जाने प्रैक्टिस करने और एक स्टेप कैसे आगे बढ़ सके. अगर मैं डिफेंस कर रहा हूँ, जैसे मैं क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलूंगा, तो अगर मैं रोज डिफेंस कर रहा हूँ जाके, तो कैसे मैं कवर ड्राइव तक पहुंच सकूं. सो वो एक चीज है कि मैं बोलना चाहूंगा कि हर एक दिन जाना है तो कुछ बेटर करके वापस आना है, इतना सिर्फ दिमाग में लेके जाना है, तो वो आपको ज्यादा सक्सेस देगा. बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके. आई फील सो प्राउड टूडे दैट आई एम फ्रॉम गुजरात एंड टू ऑफ आवर रियली गुड क्रिकेटर्स विल बी, आई गेस आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट ईयर इन आईपीएल एंड वेयरिंग द इंडियन जर्सी एंड आई फील सो प्राउड. I really want to thank you from my personal thing and from Shalvi's that you took some time, you visited us, you launched a package and you took some time to talk to us. Thank you so much, Dhruv bhai. Thank you so much, Chintan bhai. It was a pleasure to have you. Thank you so much. Thank you. ये automatic से हो जाएगा ना? हाँ तो है ना.